Hey, what's up guys? Welcome to another video. तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लीच के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्लीच के नए एपिसोड के बारे में। तुम्हें क्या लगा भाई, वन पीस आया है, जीएस 5 आया था, मैं ब्लीच के बारे में भूल गया? बिल्कुल भी नहीं भाई, अभी भी याद है, इसलिए तो लेट में बना रहा हूँ। तो चलो यार, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार, पहले एपिसोड में जैसे तुमको मैंने बोला था भाई, दोनों जो कैप्टन्स थे उन्होंने बहुत अच्छी कूल एंट्री मारी थी, कूल डायलॉग्स भी बोले थे। पर इस नए एपिसोड में हुआ क्या भाई, एकदम से मतलब इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी ही बदल दी थी यार, वो वाला हो गया यार। अच्छा, नाम बड़े दर्शन छोटे हो गए यार, ऐसे कैसे कौन करता है भाई। मानता हूँ भाई, दोनों कैप्टन कूल थे भाई, एकदम कूल एंट्री मारी थी ना, मतलब दिल जीत रहा था भाई। और उनकी जो बंक आई थी भाई, वो भी बहुत ज़्यादा कूल थी भाई। एक साउंड नहीं, सॉरी, म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे थे और एक पावर इस्तेमाल कर रहे थे, पर यार नहीं हरा पाया यार उसे भाई। एक तो भाई एक चीज़ से पता चल गई भाई, ये जो सुपरस्टार है ना, अपने आप को क्या बोलते हैं, सुपरस्टार ही तो बोलता है हाँ। तो भाई ये इसकी पावर कहाँ से आती है, इसके फैन से आती है, इसका नाम क्या है, जेम्स होगा शायद। तो यहाँ पर पता क्या है, इस विलन के साथ क्वीन्सी का साथ होता क्या है, तो ये जो छोटा वाला ये फैन है इसको पावर देता है, और ये जो सुपरस्टार है वो भाई पावरफुल बनता है। तो तब ये इंसिबल है जब तक उसका फैन है, सुपरस्टार वाला कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें इस सुपरस्टार वाले बंदों को हराना है तो इस बच्चे को पहले हराना पड़ेगा, पर इस बच्चे को मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये रीजेनरेट हो सकता है, वो भी मतलब अगर तुम इसे बीच से दो टुकड़े में काट दो तो वो इसकी आधी बॉडी वहाँ पर बढ़ जाएगी, मतलब दो हो जाएंगे, ये समझ रहे हो, रीजेनरेट समझे। तो भाई उम्मीद तो ख़त्म हो गई थी। फिर याद है बहुत पहले के एपिसोड में मैंने तुमको बोला था कि जो ऊपर से दो लाइट आ रही थी, लाइट बीम जो भी है, वो दोनों कौन निकले? जी हाँ भाई, हमारे रुका और रेंजी। तो ये दोनों आ गए, और इन आके भी लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है भाई इनकी में, कुछ तो गड़बड़ है भाई। ये तो बहुत ज़्यादा अलग लग रहे थे, पावरफुल लग रहे थे भाई, मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है, और देख ही लग रहा था भाई इस बार कुछ तक कुछ नया लाए हैं। और प्रूफ कर दिया भाई, तारी ठोक के बोला मैं, प्रूफ कर दिया वो। पहले तो भाई रेंजी बंदे ने भाई जो फैन को ऐसे तला काट दिया था बीच में, तो मज़ा आ गया भाई। ऐसा अगर मैंने रियल लाइफ में देखा होता ना यार, मेरे दो रिएक्शन होते, पहला मैं भगता और दूसरा सेम ये वाला रिएक्शन था। डिसगस्टिंग भाई, मुँह के अंदर से एक और निकल रहा है भाई। तो भाई देख के लग रहा था भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो वो अपना सुपरस्टार एकदम ऐसे पावरफुल बनता जा रहा था, फिर अपने कई फैन को मार दिया। ऐसा कौन सा सुपरस्टार है भाई, वो कई फैन को मार रहा है? एक तो यहाँ पर देखो मेरे को सब्सक्राइबर नहीं मिलते यार, ये खुद के फैन को मार रहा है यार, क्या दिन आ चुके हैं। तो फालतू की बात छोड़ते हैं, और बंदे ने भाई जो अपना पंख का ही दिखाया भाई, मैं शौक हो गया, सच बताओ शौक हो गया मैं। इसकी तलवार का वो नाम असल में है ही नहीं, इसकी तलवार जो संपैक्टो जो है इसका एक अलग ही नाम है, और इसकी बांकाई का भी अलग नाम है, जिसको देख के भी देख के लग रहा था हाँ यही है बांकाई भाई, यही है इसकी ट्रू बांकाई। और बहुत ज़्यादा पावरफुल थी भाई, एक ही शॉट में ख़त्म कर दिया, मज़ा आ गया भाई देख के एकदम, एक ही शॉट में ख़त्म हुई, कितना कमाल का था। तो इस एपिसोड के यही सबसे बड़ा भाई एकदम पॉइंट था कि ये जो रेंची है भाई तो कितना ज़्यादा पावरफुल बन के आया है। तो इस एपिसोड में हमें यही दिखाया गया। बाद में जो वो सुपरस्टार मर गया था, उसको इनके बॉस यावा आया, यानी उसने बुला लिया और उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। सच में कैसे भाई, कैसे अब्सॉर्ब किया होगा? और यहाँ पर इशिडा को मतलब देख के लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है इशिडा के साथ, क्योंकि उसको मतलब पता नहीं कि वो उसका बॉस कहाँ गया है, और जो उसका लेफ्ट हैंड है उनके बॉस का भाई, वो आके इशिडा के साथ कुछ तो बोल रहा था, क्योंकि भाई कॉन्वर्सेशन देख के लगे इशिडा कुछ करने की राह में तो ज़रूर है। तो इस एपिसोड में भाई सबसे बड़ा पॉइंट क्या था भाई, हाँ रेंजी का भाई ट्रांसफॉर्मेशन भाई सबसे बड़ा भाई पीक था इस एपिसोड का। और जो रूका भाई वो भी भाई बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रही थी, उसने खुद बोला था भाई ये तुम्हारे सामने है कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। तो आखिरकार भाई एपिसोड बहुत अच्छा था, देख के मज़ा भी आया, और हमें इस एपिसोड से क्या देखने को मिलता है, सॉरी, तो हमें इस एपिसोड से क्या सीखने को मिलता है कि बोलने से पहले भाई वो करके भी दिखा, जो दो कैप्टन थे यार सच में होता है बुरा लगा यार, इतना कैसे भाई तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया मुझे। तो यार एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, और हमारा वीडियो भी। तो आज के लिए यार बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all.